नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। शनिदेव का नाम आते ही अक्सर मन किसी अनिष्ट की आशंका से घबराने लगता है। शनि को यम, काल, दुख, दारिद्र तथा मंद कहा जाता है। किसी भी परेशानी, संकट, दुर्घटना, आर्थिक नुकसान के होने पर यह मान लेते हैं कि शनि की अशुभ छाया पड़ी है। ऐसे में शनिदेव को हमेशा प्रसन्न रखने की ही कोशिश करनी चाहिए। शनिदेव प्रसन्न रहें, इसके लिए लोग शनि की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए ताकि शनि की कुदृष्टि आप पर ना पड़ने पाए। शनि की पूजा के लिए शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। पूजा में लाल रंग का ना करें इस्तेमाल। शनि की पूजा में कभी भी भूलकर लाल रंग के फूल या कोई सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाल रंग मंगल का प्रतीक है और मंगल के साथ शनि की शत्रुता है। शनि की पूजा में हमेशा नीले या काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। शनि की पूजा पश्चिम दिशा में करें। शनि की पूजा में दिशा का विशेष महत्व होता है। शनि को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है, इसलिए शनि की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। शनि देव की आंखों में ना देखें। किसी पर भी अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में कभी भी शनि देव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। काला तिल ही चढ़ाएं। शनि देव की पूजा में हमेशा काले तिल और खिचड़ी का ही भोग लगाएं। शनि देव को काला तिल अर्पित करने पर व्यक्ति की कुंडली में अशुभ ग्रहों की छाया दूर हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।